The question given is to integrate dx upon x minus p into under root of x minus p into x minus q. तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस p इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस p इंटू x माइनस q. तो अब हम क्या करते हैं, हम x माइनस p को ले लेते हैं 1/t. तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t प्लस p एंड x माइनस q हो जाएगा 1/t प्लस p माइनस q. तो अगर ये हमने लिया तो dx कितना हो जाएगा माइनस 1/t² dt. अगर इन दोनों को हमने इधर सब्सटीट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन माइनस टी स्क्वेयर होल अपॉन 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ 1/t इंटू 1/t प्लस p ऑफ माइनस q. तो अगर हमने इधर सब्सटीट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ 1/t स्क्वेयर प्लस p माइनस q बाई t. अब हमें टी एलसीएम लेके बाहर लेना है तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई टी स्क्वेयर अपॉन 1/t इंटू 1/t इंटू 1 प्लस p माइनस q ऑफ t. तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p माइनस q ऑफ t. तो अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m dx ये कितना होता है, x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस सी, वे सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो ये कितना है, माइनस ऑफ 1 प्लस पी ऑफ माइनस पी माइनस क्यू ऑफ टी टू दी पावर माइनस हाफ डी टी. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू टी माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी. और टी हमने क्या लिया था, टी था 1/t था हमारा x माइनस पी. तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 प्लस पी माइनस क्यू. तो t कितना जाएगा 1 अपॉन x माइनस पी टू द पावर हाफ प्लस सी. सो दिस इज आवर सोल्यूशन.